उत्तर प्रदेश में पांचवें चरण के चुनाव की तैयारियों के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियां अब दोबारा से एक्टिव होती नजर आ रही हैं। इस बीच कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। अमेठी पहुंची प्रियंका गांधी ने कहा कि मोदी और योगी की जो सरकार फ्री राशन और फ्री स्कीम का काम कर रही है, इससे केवल और केवल जनता की परेशानियाँ बढ़ रही हैं, जनता बर्बाद हो रही है। उन्होंने कहा कि फ्री के चक्कर में लोगों को और दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रियंका गांधी ने रोजगार के अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सवाल खड़े किए। और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी ने जिस तरह योगी और मोदी सरकार पर निशाना साधा है, उसे देखकर बीजेपी के नेता परेशान होते नजर आ रहे हैं। हाल ही में प्रियंका गांधी जिस तरह बीजेपी नेताओं को घेर रही हैं, तो ऐसे में प्रियंका गांधी को रोकने के लिए स्मृति ईरानी को उतारा गया है। लेकिन जनता समझ चुकी है कि स्मृति ईरानी केवल नौटंकी करती हैं और उन्हें किसी जनता की फिक्र नहीं है, केवल वो राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही हैं। SPN9 न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।